तो यहाँ पे बच्चे आ रखे, करो करो होली नंदी लाल के बोलो गढ़वाली गाओ, गढ़वाली गढ़वाली तो गाओ। आप तो तुम कुछ गा रहे थे होली का दाना क्या गा रहे थे तुम अभी? हाँ आम की डाली में होली का त्योहार है। ले आए पैसे? पैसे ये ढोलक कहाँ से लेके आया तुम? ऑनलाइन मंगाया। कितने का? 486। 486 रुपए का। अच्छा सबका नाम क्या है, एक एक करके नाम बताना अपना। यूट्यूब पे डालूंगी मैं, सच में डालूंगी। मजाक लग रहा है? मजाक लग रहा है? सच में मजाक लग रहा है क्या? आपका नाम क्या है? अंकित। अंकित कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कॉलेज इन लोग तो नहीं रहे, कॉलेज चल रहा होगा। इतना छोटा लग रहा है। अच्छा और ये दो आर के जो छोटे छोटे, अच्छा और ये दो, मेरा नाम मयंक। अच्छा ये तो वो है? मयंक नहीं, इस जगह वो भाभी का बच्चा। अरे ये तो वो है? अरे वो है भाभी का, ये भी तो तुम भाई बहन हो ना। अच्छा हाँ पहले छोटे थे ना, ये तो बहुत बोलता है। अरे भाई आपका नाम क्या है जो ढोलक बजा? कौन सी क्लास में पढ़ता? अच्छा टेंथ क्लास, ये तो लग भी नहीं रहे टेंथ क्लास में होंगे, अभी तो तुम छोटे छोटे। अच्छा अच्छा ठीक है, हैप्पी होली। दे दिए पैसे? दे दे, हैप्पी होली बच्चों। चले गए, अब उधर जाएंगे, ऊपर भी है, ऊपर 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 जाओ। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे सोनम रावत व्लॉग्स में, फिर से एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है दिन के 2:30 बजे से, खाना वाना हो चुका है हमारा और इनको देखना, ये लोग आ रखे हैं यहाँ शिवांश के साथ खेलने के लिए, लेकिन पता चला कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो देखो इसको, वैसे नहीं बोलता ये, वैसे इसको बोलते ना कि बोलो, तब नहीं बोलना है इन्होंने। तो फिलहाल जो है सुबह की मैंने एक क्लिप ली थी, उस समय बच्चे आए थे होली होली मांगने के लिए, दो बार आ चुके हैं, अभी शाम तक देखते हैं और बच्चे ना जाए कहीं, क्योंकि हम अपने पास आजकल वैसे भी कोई कैश रखता नहीं है घर पे, सारे के सारे फ़ोन पे रखते हैं। तो उस चक्कर में जो था कैश की थोड़ा दिक्कत हो गई थी और हम निकाल, यहाँ पे शिवांश और मैं, भाभी की बच्चे अनिका और अभिजीत, ये सारे आ रखे हैं। और वो छोटी वाली बहन अपने पीठ में वो लिखवारियन से, बच्चे नहीं करते जैसे लिखते रहते हैं पीठ में, तो वो वही कर रहे हैं। बुआ क्या कर रहे हो तुम? बुआ की पीठ में क्या कर रहे हो? लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हो? पेंटिंग कर रहे हैं। पेंटिंग कर रहे हो? तो पेंटिंग करने के लिए बुआ का वो मिला क्या है? बुआ ने बोला। अच्छा तो मेरी बहन ने बोला, इनको लगे हुए हैं करने पे, तो चलो दिखाते हैं क्या क्या कर रहे हैं। ये रही अनिका, ये रहा अथर्व, ये रहा अभिजीत, और वो तो बिल्कुल लगा हुआ है वहां, देखना लिखने में लगा हुआ, लिखने में लगा है। और उधर गोलू की मम्मी, और ये रहा शिवांशु, और ये रही हमारी माता श्री जो कि दोबारा सो रही है, एक बारी की नींद पूरा के दूसरी बारी की नींद, अब मेरी नींद खराब कर देती, सुबह 4 बजे उठा देती मुझे, 4 बजे उठाती है मम्मी मुझे, और अपना आप सो सा के। आज तो यहाँ साफ सफाई करी मैंने, इधर साइड करी है, लेकिन अभी मतलब ये जो अंदर के हैं सामान वो साफ नहीं किए हैं, पर लेकिन ये शीशा है वो बाहर से चमकाती है, बस बार बार से ही किया है अभी। और जो फोटो वगैरह आए मैं सोच रही हूँ इस वाली दीवार पे लगा दूं, पर लेकिन ये चीजें देख के ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, पर लेकिन सोच तो मैं इसी दीवार पे रही हूँ, देखते हैं, क्योंकि मेरी दीदी और की भी है ना वहां पे, तो इनकी भी यहां से निकाल के इधर ही लगा दूं व्हाइट वाली दीवार पे छकता, पर एक काम करूंगी इधर ही रहने दूंगी, क्योंकि बाद में हमने पुताई तो करवानी है, तो इधर ही लगवा दूंगी तीनों की, एक फैमिली पिक हो जाएगी, देखते हैं किस हिसाब से लगाना है, कहाँ पे लगाना है, क्या करना है ना। और ये रहे हमारे भाई जी,
सुबह से नहीं उठे हैं। तो अभी दिन भर में जो जो काम होगा वो दिखाएंगे आप सभी को। फिलहाल इनके साथ मैं अभी खेल लेती हूँ। क्यों मार रहा है? गंदी बात। इसे दिया है कि वापस है। नहीं है। इसे तरह सुसु कर रहा है उधर इधर यहाँ पर। इसे आप ना खेल। मार क्यों रहे? हाँ हाँ पापा बता ता ता ता। इधर से देख। ए सबको मारने पे लगा। ये तो भैया इतना सा है ना, तो छोटा है सबसे। इधर लेके इधर दे उसको। इधर देना। दम लग गया इसमें। ले 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 ले। अपनी मम्मी बच्चा यहाँ देखो सबको मार रहा है। सबको बिगड़ी हुई औलाद। बहुत ही बदतमीज होता जा रहा है। दिखाता है सबको उसको भी धड़ दो थप्पड़। दे दे। मैं कितने प्यार से मांग रहा हूँ। इधर आना। ए इसे ए आपका नाम क्या है? अभिजीत। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी में। अच्छा और ना आपके पापा का नाम क्या है? पापा का नाम क्या है? पापा का नाम क्या है? महात्मा गांधी है। क्या है पापा का नाम बताओ? गंदा बच्चा। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट उसमें जब मैं लाइव आ रही थी। मौसम दिखाओ यहाँ का। तो ये देखिए बारिश हो रही है। सूखे गीले हाँ गीले। अच्छा आपने बुला दिया था तभी तो बोल रही हूँ ब्लॉग बनाने लग गए। भाभी कह रही उन्होंने छत में कपड़े रखने के लिए वो उन्होंने मैं सो रही थी उन्होंने तो मैं ना नीचे सो रही थी। भाभी ने बोला अरे यार भाभी ने बोला मुझे कि वो कर दो क्या बोलते हैं कपड़े हैं तुम्हारे छत में गोलू के ही कपड़े हैं और मैं आई तो वो गीले हो रखे थे तो मैंने सोचा चलो व्लॉग ही बना देती हूँ क्योंकि इससे पहले कमेंट आया था ना मुझे कि कैसा मौसम है वहाँ का तो मैं वो दिखाने के लिए आई थी। ऊपर बारिश हो रही है आज। ये देखिए बारिश पड़ रही है ऊपर दो। हाँ मेरा सर दर्द हो गया अचानक नींद से उठाया ना उन्होंने मेरा सर दर्द होने लग गया। हाँ बोल रही बाहर कौन चिल्ला रहा है जोर जोर से। यहीं पर रहते उसके कपड़े सारे गीले ही हैं वैसे भी। पानी आने लग गया जी। जो बोल रहे थे ना कि गोलू कर नहीं रहा है ये देखो फिर से चल गया अपने काम पे। ले ले तेरी खिड़की बंद कर इनको। गोलू शिवांशु शिवांशु कुछ 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 ले 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 लो ये लो कर दिया खिड़की बंद। ये देखो बंद। आछी इसको इसने नई चीज सीखी है आछी करना। आछी ओए छोड़ सो आछी मम्मी के लिए अच्छा हो रखा है खिलौना। मम्मी इसको डांटने नहीं देती डांटने। चुप नौटंकी देखना इसकी नौटंकी। मामा
अभी आ चुकी शाम की चाय, हम इसको पीते हैं। तो खाना मैंने नहीं बनाया, तुमने नहीं खाया, बताओ खाना नहीं खाया तुमने? बिल्कुल एक बजाने दिल ले गया, प्रेस कर पा रहा हूँ पूरा, गुस्से में नहीं रखा मैंने, मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लेते हैं फिर काम ऐसे ही रहेगा, गुस्से में तो कुछ। तो शाम के बज रहे हैं 5 बज गए और बारिश भी चले गए, मौसम थोड़ा थोड़ा साफ हो गया है कल के लिए, कल तो होली खेलेंगे सबके सब, आप लोग भी खेल लो। और वैसे मैं लाइव आ जाऊंगी कल के, उसमें कल हम लाइव आएंगे, इस ब्लॉग में पहले बता देती हूँ क्योंकि कल ये सुबह आ जाएगा और दिन तक तो मैं लाइव आऊंगी 11-12 बजे के आसपास ही, जब भी हो पाएगा पॉसिबल तो तभी आऊंगी। तो नोटिफिकेशन तो चले ही जाते होंगे, तो बनवारी लाल शर्मा जी तो आ ही जाते हैं खैर, लेकिन नरेंद्र सिंह रावत जी को भी आना चाहिए, उनको पहले बता देती हूँ, इन्फॉर्म कर रही हूँ कल आना ही आना है मैंने, तो आपको भी आना है ठीक है, इनवाइट कर रही हूँ मैं आपको कल के 12 बजे के बाद भी हो सकता है या उससे पहले भी हो सकता है। हाँ होली समाप्ति नहीं, होली में ही आएंगे कलर करके अपने मुंह पे, तब आएंगे हम। मीठा नहीं डाला क्या? मीठा नहीं हो रहा, मैं मटरी लेके आऊंगी अपने लिए, नहीं मटरी अपने लिए लेके आऊंगी, उसमें नहीं था वो जो अड़से लेके आए थे जिसमें सब खाएंगे क्यों मटरी तो हाउस में, अच्छा मटरी तो मटरी फेंकती, नमकीन भी नहीं है क्या इस घर में? यहाँ देखो मम्मी किचन में जा रही है पानी पीने के लिए, जाना तो पड़ेगा ना मम्मी, तभी तो सीखेगी। मम्मी मतलब यहाँ तक आ सकती है, जा सकती है, फिर भी ड्रामे करती है कि मेरे लिए पानी ले गया, अब से खुद करेगी अपना काम, है ना भाई? और ये देखना इसने सारे बिस्तर विस्तर सब फैला के रखे हुए यहाँ, ये देखिए किचन से आ भी गए, गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब वहां पे बिस्तर भी सही करके रखो ठीक है मम्मी, मम्मी अब बिस्तर भी सही करके रखिए, अब मम्मी से थोड़ा थोड़ा काम करवाने पड़ेंगे तब जाके मम्मी सही होगी, वो बिस्तर सही करो फोल्ड करके रखो उसको, अभी जरूरत नहीं है उसको ओढ़ने की, नहीं नहीं करना पड़ेगा थोड़ा सा करना, करो उसको फोल्ड करके रखो, गोलू नहीं करते हैं जिद यारी, कितना जिद्दी बच्चा है, इसकी मम्मी वहां जा रही है ना सब्जी उब्जी लेने के लिए। तो फ्रेंड आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत बोल रही हूँ, सॉरी आज की ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, और आज की ब्लॉग को जो है मैं आज ही सुबह समाप्त कर रही हूँ, तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे और सबको हैप्पी होली, और आप लोग भी अच्छे से होली खेलें, सेलिब्रेट करें होली को, और ज़्यादा पानी वानी ना डालें, पानी से थोड़ा बच के क्योंकि आजकल सबको फीवर हो रहे हैं, मेरे भाई को भी फीवर हो रहा है बाहर बेचारा लेटा हुआ, हम तो रंगों की होली खेलेंगे लेकिन बच्चे थोड़ा शैतान होते हैं, उनको तो कौन ही मनाए, तो वो तो खेलेंगे पानी वाला, लेकिन मैं गोलू के साथ ही खेलूंगी और बाहर देखते हैं। वैसे तो कम ही लोग सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि बहुत कम लोगों का है यहाँ पे, एक दो जो है यहाँ पे तो पड़ोसी हमारे उनके तो है भी नहीं है होली, तो हम भी अब इतना खास होली तो नहीं मनाएंगे, अगर कोई आएगा तो कलर करके और फिर चले जाएंगे, मतलब मुंह पे टीका वीका लगाएंगे फिर चले जाएंगे, शायद इस बार इतने अच्छे से नहीं होगी जितने अच्छे से हर बार होती है, तो कोई बात नहीं हम तो अपना सेलिब्रेट करेंगे घर पे छोटा मोटा सा। तो आप ये जो आगे कल वाला व्लॉग है वो उसमें आएगा, खैर जो भी अब होली होली जो भी मनाई जाएगी वो कल के उसमें आएगा, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलते हैं आप सभी से एक नए व्लॉग में नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ, अब तक के लिए बने रहिएगा सोनम रावत व्लॉग्स।